सो यहाँ पे मैंने बाबी गर्मी हो रही है, एक दो वीडियोस बना के ना, ये अभी आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो व्लॉग है वो एक नॉर्मल रैंडम व्लॉग होने वाला है। लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग डाला था तभी मैं ईयर पियर्स करने के लिए यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ आई थी, और तब के बाद तो मैं रुक ही गई मेरे मासी के घर पे, क्योंकि मेरी मासी ने मुझे फोर्स किया था। तो मैं रुक गई और मेरा बाकी जो भी मतलब मुझे फिल्मिंग करना था वो सब का जो भी सामान है वो भी मैंने अपने घर से मंगा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये टेबल पर जितना भी सारा सामान पड़ा, ये डफल बैग, ये सारा सामान जो आया है, फिर उसके बाद वहाँ पे भी बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं। सो वो जितना भी सामान आया है सारा का सारा मुझे आज फिल्म करना है। मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ कि अगर मुझे फिल्मिंग करना होता है तो एक बारी में मैं एक दो वीडियोस जितने भी मैं कर सकती हूँ उतने मैं कर देती हूँ, ताकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। क्योंकि पहले तो मैं एवरी सिंगल डे वीडियोज़ डालती थी, अभी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ। सो मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट होता है ऑलरेडी, कि कहीं कोई ज़रूरी काम आ जाए, कहीं जाना हो तो आई हैव कंटेंट फॉर ऑल, कि ताकि आप लोग मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ देख सको। सो अभी बज रहे हैं 11:20 हो रहा है अभी। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मुझे ईयर पियर्स कराना था एंड हम लोग करा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कोई गन शॉट से नहीं करा रहा था। तो आज दोबारा से हम जाएंगे क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू गेट माई ईयर पियर्स। सो जब तक मेरी सिस्टर नहा रही है मैं आपको एक बता दूँ सुबह क्या हुआ था। सुबह जैसे कि मैं यहाँ पे रह गई थी और मेरा रहना प्लान्ड नहीं था, तो इसीलिए मेरा जितना भी सारा शूट का सामान था वो घर पे रह गया था। तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी ने ड्राइवर अंकल के हाथ से सामान भिजवाया था। जब मैंने मम्मी को स्पेसिफाई करके बोला था, एक छोटा सा बॉक्स रखा है उस पर कुछ स्पेसिफिक सा लिखा है, वो आप सुबह भेज देना, एंड मम्मी ने सुबह गलत पार्सल। सो ये पार्सल मम्मी ने सुबह भिजवाया था ड्राइवर अंकल के हाथ से। ये कुछ ना मिंत्रा का सामान है जो मैंने लिया था, ये अमेजोन का है, और ये मम्मी ने गलती से एक बहुत बड़ा बॉक्स भेज दिया जबकि कुछ और भिजवाना। तो मम्मी ने उसके बाद मैंने मम्मी को कॉल करके बोला कि आपने गलत पार्सल भिजवाया, अभी मुझे खुद आना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा कि मैं ड्राइवर अंकल को दोबारा भेजती हूँ। तो दोबारा से ड्राइवर अंकल आए थे, उसके बाद फिर सही सामान उन्होंने लाया। तो ये एक सामान है जो कि मुझे चाहिए था, दिस वॉज द वन दैट आई वॉन्टेड, और इसके साथ साथ कुछ और भी सामान भिजवाया क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं जो भी हॉल वीडियोज है वो भी फिल्म करूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सूट मैंने मंगवाया था अमेजोन से, ये बीबा का है जो आपको मेरे मेन चैनल पर दिख जाएगा। एंड देन आई हैव अ फ्यू मोर स्टफ अमेजोन से, कुछ मिंत्रा से। तो ये मुझे वीडियोज फिल्म, एक अमेजोन हॉल, एक मिंत्रा हॉल, कुछ और दो कोलैबोरेशन है वो भी फिल्म करने। एक जॉयफुल से एक बॉक्स आया है जिसका कोलैबोरेशन आप मेरे चैनल पे देखोगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जॉयफुल के जो बॉक्सेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैंडी होते हैं। तो मैंने अप्रोच्ड मी, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने, मेरे पास जो प्लास्टिक के ड्रॉवर्स है वो जॉयफुल के ही है। तो मेरे मेन चैनल पर आपको वीडियो दिख जाएगा, काफी ज्यादा हैंडी होते हैं। तो इसीलिए मम्मी ने जो गलत पार्सल भेजा मैं आई वॉज रियली हैप्पी कि ठीक है ये पार्सल आ गया। तो इस जो ये बड़े बॉक्स में जो पार्सल मैंने आपको दिखाया था उसमें जॉयफुल का सामान है। ओके, सो फाइनली मैं नहा चुकी हूँ, नहा के थोड़ा सा टाइम हो गया है और बाल धोए हैं आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ऐसे कर्ली से हो गए हैं, एंड मुझे बाल काटने भी है, मतलब थोड़ा सा ट्रिम करना है, बिकॉज ये जो है ना पूंछ जैसे लग रहा है। मुझे बाल काटने जाना था, आज जाना था, मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना था क्योंकि मेरी कैविटी हो रखी है तो उसको ठीक करना है। तो अभी मुझे कुछ वीडियोस फिल्म करने हैं क्योंकि यहाँ पे सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। सो भूख भी लगी, आर यू हंग्री। सो कल हम लोग बाहर गए थे तो हम लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था, तो बाहर से जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया था उसे हमने पार्सल करा लिया था। सो वो हम थोड़े टाइम बाद खाएंगे क्योंकि अभी एक बज रहे हैं। नाउ डू यू वांट टू हैव, व्हाट डू यू वांट टू हैव? फ्राइज। सो यहाँ पे आउंध में ना फ्राइज काफ़ी अच्छे मिलते हैं, UFO फ्राइज आई थिंक, अगर आपके यहाँ पे भी होंगे तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत फ्राइज ऑर्डर कर लेते हैं। एंड व्हाट डू यू वांट टू हैव? कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बारबेक्यू फ्राइज ऑर्डर किए हैं एंड मोका, ऐसे मैं तीन मोका करती हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर, मैं और सिस्टर का एक फ्रेंड भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कूपन कोड भी लगा दिया तो थोड़े पैसे बच गए, तो इसे ऑर्डर करते हैं। सो अभी मैं वीडियो के लिए मेकअप करने लगी हूँ एंड यहाँ पे साइड में मेरा न्यू मेकअप पाउच है जिससे मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, बिकॉज पहले मैं दो दो मेकअप पाउचेस कैरी करती थी। एंड
पुणे में ना लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है, आई थिंक हर जगह ही गर्मी बढ़ने लगी, बट नॉर्थ के साइड में बारिश भी हो रही है, बट पुणे में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। प्लस मैंने ब्लैक और ऊपर से टर्टल नेक पहना है, क्योंकि मैंने मेरी यहाँ पे मेरे पास सामान नहीं था कुछ भी पहनने के लिए नहाने के बाद, तो मैंने मम्मी को सुबह बोल दिया था कि मेरे लिए सामान भिजवाए, तो दिस इज़ वॉट शी कुड फाइंड, आई थिंक शी कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एल्स। मैंने वार्डरोब में बहुत सारा सामान रखा था, बट फाइनली यही मेरी मम्मी ने सेंड किया, तो ये पहन के भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक दो वीडियोस बना के इसे मैं पहले चेंज करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो हमारा जो कोल्ड कॉफ़ी एंड सब कुछ है आ गया था, मैंने अपना पी भी लिया, आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि आई वॉज अ लिटिल हंग्री, बट हाँ मैंने वो पी लिया, तो आई एम फुल नाउ। एंड अब यहाँ पे मैं असेंबल कर रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन्हें मुझे असेंबल करना है, बिकॉज मुझे जॉयफुल के लिए एक वीडियो बनाना है। दीज आर द ऑर्गेनाइजर्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी हैंडी होते हैं। आई ऑलरेडी हैव वन, एक और आया है, एंड आई थिंक आई विल बाय वन मोर फॉर माई शूज़ और मी समथिंग लाइक दैट मे बी। सो इसे मैं असेंबल कर लूँगी, उसके बाद फिर मुझे वीडियो बनाना है। I need one more. वो lid. Lid? Yeah. So I'm finally here and I finally managed to get my ear. To get my ear pierced. तो अभी हम जा रहे हैं एंड उसके बाद फिर मैं फाइनली पियर्सिंग कराऊंगी। सो वी कम ओवर योर एंड अंदर किसी का टैटू चल रहा है, टैटू बना रहे हैं, तो वी आर वेटिंग। एंड जो स्टड्स उन्होंने मुझे दिखाया वो उनके पास बड़े स्टड्स है, बट यहाँ पे दे नाइस कलेक्शन, आई रियली लव दिस, बट दे डू नॉट हैव दीज इन स्टॉक, आई रियली लव दिस वन, बट इनके पास है नहीं, तो प्रोबेबली आई जस्ट ऑर्डर दिस वन डेजीज इफ आई कैन। फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव गॉट माई ईयर पियर्स्ड, और उन्होंने मुझे बोला है कि इसमें सलाइन वाटर लगाना है थोड़ा सा। लाइटिंग बिल्कुल नहीं आ रही बिकॉज मैं गाड़ी में बैठी हूँ, और यहाँ से मैं डायरेक्टली घर जा रही हूँ, घर आधा घंटा दूर है, तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय।